नमस्कार दोस्तों, आज देखिए निफ्टी की अगर हम लोग बात करते हैं तो निफ्टी 10 पॉइंट बढ़त के साथ बंद हुई है यहाँ पर और 18,125 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो 41,192 पे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है और 868 पॉइंट बढ़त के साथ बैंक निफ्टी ने यहाँ पर क्लोजिंग दिया। 2.15% बढ़त के साथ बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पर क्लोजिंग दिया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं बैंकिंग सेक्टर में कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसने बैंक निफ्टी को इतना ऊपर आज लेकर गया। तो जो बैंक निफ्टी में स्टॉक ट्रेड करते हैं तो पांच छह स्टॉक मैंने बड़े बड़े वाले जो हाई वेटेज स्टॉक हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर निकाल लिया है मैंने। और ICICI बैंक की बात करते हैं तो लगभग यहाँ पर 10.85% बढ़त के साथ ICICI बैंक ने यहाँ पर क्लोजिंग दिया है। और एक्सिस बैंक की बात करते हैं हम लोग तो लगभग 3.5% बढ़त के साथ एक्सिस बैंक ने क्लोजिंग दिया है। SBI की बात करते हैं तो ये लगभग 1% बढ़त के साथ आसपास क्लोजिंग दिया है। कोटक बैंक की बात करते हैं तो ये निगेटिव में क्लोज दिया है। HDFC बैंक की बात करते हैं तो ये भी निगेटिव में, और इंडसइंड बैंक की बात करते हैं तो ये भी निगेटिव में क्लोजिंग दिया है। तो मात्र दो बैंक एक्सिस बैंक और ICICI बैंक ने बैंक निफ्टी को इतना ऊपर लेकर गया। और अगर हम लोग अपनी पोजीशन आज की बात करते हैं तो आज मैंने सिर्फ एक ही ट्रेड लिया था जो कि मैंने 40,000 की पुट ऑप्शन सेल किया था। ऑर्डर बुक में हम लोग चलते हैं देखते हैं, यहाँ पर मैंने 10:45 पर 105 रुपये पर मैंने इसको सेल किया था और 81 पर मैंने इसको बाई कर लिया जो कि 40,000 का पुट ऑप्शन था। यहाँ पर मैंने लगभग 24 पॉइंट के आसपास बुकिंग किया है प्रॉफिट और 600 रुपये के आसपास का मुझे प्रॉफिट हुआ। फिर से मैंने इसको 65 रुपीज़ पे फिर से इसको सेल कर दिया पोजिशनल, ठीक है। और कल अगर साइडवेज भी मार्केट ओपन होती है तो ये लगभग 40-35 रुपये के आसपास पे ओपन होगा और फिर से मुझे यहाँ पर मैंने 65 पे सेल किया है तो 20-30 पॉइंट मुझे मिलेगा तो मैं इसमें प्रॉफिट बुक कर लूँगा, ठीक है। थैंक यू।